देख रहे हैं आरजेएन 24x7 न्यूज। मैं शुभम उपाध्याय। बहुत ठप हो गए यहाँ प्रत्याशी ये उपचुनाव में बनाए हुए और आपन 12 तारीख के बोला आशीर्वाद देहू। यही आशा विश्वास के साथ मैं आपके गांव में पहुंचे हूँ। आज चूंकि पूरा ये क्षेत्र वर्तमान सरकार से त्रस्त है, जाना तो खैरागढ़ विधानसभा गलो है, लेकिन भूपेश बघेल के नक्शा में खैरागढ़ विधानसभा भी लौटी थी। आप 3 साल हो गए ये खैरागढ़ विधानसभा ना लहूट के नहीं देखे, कबो यहाँ के सुख दुख में ध्यान नहीं दिस। यहाँ विकास भी होना चाहिए, विकास भी ध्यान नहीं। मैं तो लीमो गांव में एक भी ऐसे कोई काम हुई बता दो, ये 3 साल के अंदर एक भी काम नहीं हुआ है। मतलब ये है कि खैरागढ़ विधानसभा से बोला कोई मतलब नहीं है, कोई नाता नहीं है। ये स्थिति आज प्रदेश कांग्रेस सरकार की है। आज अचानक उपचुनाव होते हैं, अब उपचुनाव होने के समय, अब उपचुनाव आ गए, वोट लेना है, तो कई प्रकार के प्रपंच रख के, कई प्रकार की घोषणा, कई प्रकार के वादा करके आप अपना लोभ लुभावन घोषणा में अपन पक्ष में करना चाहते हैं। ये उगर घोषणा में आपका जाना नहीं है, उगर बात में आना नहीं है। उगर बहुत बड़े बड़े नेता, छोटे छोटे नेता गाँव मन में बरगलाए बढ़ाई, वो बरगलाए में आपका जाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 5 साल चला जाना, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे देने में सब काम मन हो, चाहे गली कांक्रीटीकरण हो, चाहे गांव के मंच हो, चाहे गांव में शीतला मंदिर के निर्माण हो, ऐसे कई चुनावी सभा में हम सबके बीच में उपस्थित अमर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय मधुसूदन यादव जी यहाँ पर उपस्थित, किसान मोर्चा के हमारे नेता भाई कोमल सिंह राजपूत जी और हमर जनपद पंचायत चुनाव के पूर्व उपाध्यक्ष भाई हमन ताम्रकार जी और साथ में श्री राकेश जायसवाल जी यहाँ पर राज। फिर 3.5 साल में काबर नहीं करें, अभी भी तो 3.5 साल हो गए। ये 3.5 साल में खैरागढ़ के विकास का पूरी तरीके से दरकिनार करके ये सरकार काम करे। अब क्योंकि चुनाव जीतना है तो हम ये करेंगे वो करेंगे ये बात न बोला थे और ये मन कर नहीं सके और न करने वाला है। केवल चुनाव में झूठ बोलने पर आए हैं और झूठ बोल करके चुनाव जीतना चाहते, शिखर बहकाव में आए की जरूरत नहीं है। आपके क्षेत्र के विकास की लड़ाई हमारे कमल जंगेल जी लड़ी, आप सबसे निवेदन है कि आप लग कमल छाप में बटन दबा करके कोमल जंगेल जी आशीर्वाद देना है, इतना निवेदन और प्रार्थना आप सबसे है। और मैं सीधा आप मन से और ये शीतला मंदिर के निर्माण भी कोमल जंगेल जी के प्रयास से हुए, माता जी के आशीर्वाद और यहाँ पर हमारे मातृशक्ति बहुत बड़े संख्या में उपस्थित है, आप सबके आशीर्वाद मिले। और साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। बाजीगर मुख्यमंत्री है, सौदागर मुख्यमंत्री है, वो ये बोलते हैं कि हमला जिताओ तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे जीतस चाहे मत जीतस, हमारे प्रदेश के मुखिया होए के नाते हमारे जो काम है तो करें पड़ी और हम करवाएंगे। और एकर लड़ाई पूरा लड़े के जिम्मेदारी हमला कोमल जंगेल जी ला सौंपना है। जब 12 तारीख के आप ला मतदान करे बर मतदान केंद्र में जाहू तो कमल के बटन ला दबाना है और ये क्षेत्र के विकास के लड़ाई ला मजबूती के साथ लड़े बर कोमल जंगेल जी ला आशीर्वाद देना है, ये निवेदन करे बर हम सब आए। लगभग 7 साल तक ये क्षेत्र में विधायक के रूप में वो काम कर चुके हैं और ना जाने कितना बार 7 साल में कितना बार लोगों में वो आई वही, कितना बार बाकी सब विधायक मन नहीं आए वही, कितना बार अकेला कोमल जंगेल 7 साल में आता जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी केवल इतना नहीं है, रोड ही बनाना है, नाली ही बनाना है, गली ही बनाना है, उसके अलावा जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी हर एक आदमी के सीटों में खड़ा होना है। और तो बहुत अच्छा से याद है जब चुनाव के भारतीय जनता पार्टी